हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आईकू ने फाइनली Z5 स्मार्टफोन चीन के बाद इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन इस प्राइस बैंड में पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि यह ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है और इसी के साथ आपको इसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यह स्मार्टफोन अपने आप में एक कमाल का स्मार्टफोन है। फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी भी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए 44 वाट का फ्लैश चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाएगा। इसकी प्राइस अराउंड 25,000 के आसपास रहने वाली है। OnePlus Nord 2 हाल ही में ब्लास्ट होने की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन आज एक यूज़र का चार्जर ब्लास्ट हो चुका है। जी दोस्तों, जिमी जोश नाम के एक OnePlus Nord 2 के यूजर हैं जिनका स्मार्टफोन का चार्जर ही ब्लास्ट हो चुका था। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि OnePlus Nord 2 चार्ज पे लगाने के बाद कुछ देर बाद उनका चार्जर अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। हालांकि उनको कुछ भी चोट नहीं पहुंची और उनका स्मार्टफोन भी ठीक है। तो देखते हैं OnePlus इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेता है। फाइनल दोस्तों, ओप्पो ने अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन ओप्पो K9 Pro चीन में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको इसमें MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा और इसी में आपको 12GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरेज ऑप्शन भी मिलने वाली है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेट भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर भी मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन की प्राइस अराउंड 25,000 से स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं इंडिया में ये स्मार्टफोन ओप्पो कब तक लॉन्च करता है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगा। अगली न्यूज है दोस्तों Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने चीन में अपने Xiaomi Watch Color 2 को फाइनली लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 1.43 इंच की कलर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इसमें मिलने वाला है और इसी के साथ आपको इसमें 470 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है जो कि आपको सिंगल चार्ज पे 12 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। इसी के साथ आपको इसमें 117 स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटर और ब्रीदिंग गाइड ऐसे अलग अलग फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वॉच लगभग आपको 11,000 से 12,000 के बीच में मिल सकती है। देखते हैं Xiaomi इस वॉच को इंडिया में कब लॉन्च करता है और किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।